हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सन्नी और आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही मस्त सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं टॉप 5 ऐसे मोबाइल के बारे में बताऊँगा जो 10,000 के अंदर काफ़ी अच्छे मोबाइल हैं। तो हमारा नंबर 5 पर जो आता है वो है रेडमी का नोट 7 प्रो। सॉरी दोस्तों, मैं आपको इस सबका डिटेल नहीं बता सकता, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी शिकायत नहीं दूंगा, तो आप खुद ही डिटेल देख लीजिएगा। तो हमारा चलते हैं आगे के मोबाइल की तरफ। आता है 4 नंबर। 4 नंबर पे हमारा जो है वो है वीवो का U10। ये भी काफ़ी अच्छा सा मोबाइल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल तो डिटेल देख लीजिएगा, वरना जाकर आप फ्लिपकार्ट पर भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले मोबाइल की तरफ, नंबर 3 पे। 3 पे आता है हमारा ओप्पो का K1। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो 10,000 के अंदर काफ़ी अच्छा है। तो हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मोबाइल की तरफ, नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पे जो आता है वो है हमारा रियलमी के तरफ से 3 प्रो। ये भी काफ़ी अच्छा सा मोबाइल है, आप इसको भी खरीद सकते हैं 10,000 के अंदर, काफ़ी अच्छा। ये गेमिंग फ़ोन है, ये गेमिंग फ़ोन के अंदर आता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मोबाइल की तरफ, नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आता है वो है हमारा रियलमी का 5S। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा मोबाइल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप धन्यवाद।